अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष परसौनी की उपस्थिति में प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य गणमान्य लोगों के साथ परसौनी थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें ताजिया जुलूस के रोड मैप पर चर्चा हुई। उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। अंचलाधिकारी राहुल कुमार व थाना अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने उपस्थित लोगों से ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं जुलूस में घातक हथियार न ले जाने की अपील की। कहा कि शांति भंग करने वाले उपद्रवियों, घातक हथियार व डीजे बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के आदेशानुसार पीजीआरओ बेलसंत शंभुनाथ ने प्रखंड मुख्यालय स्थित 10+2 जनतांश विद्यालय के परिसर में संचालित बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, जिसमें छात्रावास में छात्राओं को दिए जा रहे भोजन को असंतोषजनक पाया एवं उसमें सुधार करने का निर्देश दिया। बेलसंत विधायक संजय कुमार गुप्ता जनता उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें विद्यालय में उपस्थित छात्रों से परिसर में चल रहे स्मार्ट क्लासेज 2 वर्षों से बंद रहने की बात सामने आई। विधायक द्वारा पूछने पर प्रधानाध्यापक ने बिजली ठीक न होने की बात बताई एवं कहा कि 4 अगस्त से पुनः इसका संचालन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विद्यालय में अन्य कई तरह की अनियमितता सामने आई, जिसमें विद्यालय में शौचालय की समुचित व्यवस्था न होने की बात सामने आई। प्रदेश में सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद इसके परिसर में स्थित शौचालय की स्थिति देखकर आप हैरान हो जाएंगे। शौचालय की समुचित व्यवस्था न होने के कारण विद्यार्थी एवं शिक्षक खुले में शौच करने को मजबूर हैं।